नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी के इस कार्यक्रम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे महिलाओं में लगभग हर महिला को पाए जाने वाली समस्या वजिनाइटिस के बारे में। वजिनाइटिस जो कि कभी ना कभी इससे हर महिला रूबरू होती है, हर महिला को या लगभग हर महिला को यह होता है और यह एक समस्या होती है और वो महिला किसी से कह नहीं पाती। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इसके लिए 12 बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं जो आपके वजिनाइटिस को जड़ से दूर कर देंगी, आपको लाभ दे देंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि वजिनाइटिस होता क्या है। वजिनाइटिस आपके वजाइना या यूँ कहें वल्वो वजाइना, यानी कि वल्वा और वजाइना दोनों के इन्फ्लेमेशन की स्थिति को कहते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, जब आपके सूजन आ जाती है तो इसको वजिनाइटिस कहते हैं। वजिनाइटिस में चार बहुत बातें होती हैं जो आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। अगर आपको वजिनाइटिस है तो आपके वजाइनल डिस्चार्ज होगा, जिसमें कि ओडर होगा, पेनफुल होगा, बर्निंग होगा और अधिक मात्रा में थिक या थिन होगा। यह स्थितियाँ अगर पाई जा रही हैं तो आप जान लें आपको वजिनाइटिस हो सकती है। अब साथियों, आते हैं इसके कॉजेस पर कि वजिनाइटिस के कारण क्या होते हैं। वजिनाइटिस के बेसिकली तीन कारण होते हैं, या यूँ कहें तीन तरह की वजिनाइटिस होती है। पहली वजिनाइटिस होती है जब आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, यानी आपके वजाइना में जो है वह बैक्टीरिया की मात्रा अधिक हो जाती है। गुड और बैड दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जब यह रेशियो में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है और बैड बैक्टीरिया जो है ज़्यादा हो जाता है, तो आपके बैक्टीरियल वजिनाइटिस हो जाती है। बैक्टीरियल वजिनाइटिस में आपका जो है बर्निंग होने लगती है, आपके यूरिन में क्वेश्चन में बर्निंग होने लगती है और आपके डिस्चार्ज होने लगता है, जो कि एक्सकोरिएटिंग होता है और थिन होता है। जो बैक्टीरियल वजिनाइटिस में कभी कभी डिस्चार्ज नहीं भी पाया जाता है, तो डिस्चार्ज नहीं होता है तो इसको बैक्टीरियल वजिनाइटिस कहते हैं। दूसरी होती है वजिनाइटिस ड्यू टू ईस्ट, जब आपके वजाइना में कैंडिडा ईस्ट का ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो इसको ईस्ट के ईस्ट के रीज़न के कारण वजिनाइटिस कहते हैं। और तीसरा एक कारण होता है ट्राइकोमोनास, जब आपका ट्राइकोमोनास पैरासाइट जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जब यह ज़्यादा हो जाता है तो आपके ट्राइकोमोनियासिस हो जाती है और यह भी आपके वजिनाइटिस यानी कि वजाइना या वल्वो वजाइना में इन्फ्लेमेशन का एक कारण बन जाता है, जिससे कि आप परेशान रहते हैं। फिर साथियों, बात आती है इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम जैसे कि है बैक्टीरियल वजिनाइटिस में, इसमें आपका वजाइनल डिस्चार्ज बहुत थिन होता है और कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं। दूसरा आता है ईस्ट का, ये आप आसानी से पहचान सकती हैं। ईस्ट का जब वजाइनल डिस्चार्ज आपका वजिनाइटिस होता है, उससे जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वह कॉटन लाइक थिक होता है, रुई की तरह थिक होता है। जो आपका डिस्चार्ज आता है वजाइना से वो रुई की तरह थिक होता है, तो इससे आप जान लें आपको ईस्ट का यानी कैंडिडियासिस हो गई, यानी कैंडिडा ईस्ट का आपके इन्फेक्शन हो गया है, कैंडिडा ईस्ट की ग्रोथ आपके ज़्यादा हो गई है। तीसरी स्थिति आती है ट्राइकोमोनास, यह जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसमें आपका ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है, बहुत बदबूदार फीटेड स्मेल का, मछली ऐसी स्मेल का वजाइनल डिस्चार्ज होता है। अगर वह स्थिति आपको आए तो आप समझ लें कि आपको ट्राइकोमोनास के कारण आपके यहाँ इन्फेक्शन हो गया है। अब आती है इसको दूर करने की बात। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वजिनाइटिस हो गया है, अगर आपके वजाइना में स्वेलिंग आ गई है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन बाय द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया ईस्ट और ट्राइकोमोनास, तो इसको दूर कैसे करा जाए। हम आपको इसकी बात 12 कारगर दवाओं के बारे में होम्योपैथिक बताएंगे, लेकिन आपको पहले हम ये बता दें कि ये जो दवाएँ हम आपको बताने जा रहे हैं यह आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करे बने ना लीजिएगा, क्योंकि आपके सिम्टम इन दवाओं से भिन्न भी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, और वही दवाएं जो आपको फ़ायदा करती हैं वो नुकसान भी कर सकती है। तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप पहले उसको लिखवा लें, दवा प्रिस्क्राइब करा लें, उसी के बाद कोई दवा लें। चलते हैं अब आपको वजिनाइटिस से राहत दिलाने के
12 बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं की तरफ। सबसे पहले एक स्थिति आती है, लगभग पाई जाती है, जब आपके थिक वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, आपके वजिनाइटिस हो गया है और उससे आपको थिक वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर यह स्थिति आपको महसूस हो तो इसकी दवा पल्सेटिला है। पल्सेटिला 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकती हैं जब आपके थिक वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो और आपको इससे तकलीफ हो रही हो, इससे जलन हो रही हो। पल्सेटिला 30 का पेशेंट बेसिकली उसका मेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पल्सेटिला का पेशेंट कंपनी को पसंद करता है, यानी लोगों के बीच रहना चाहता है और उसे सांत्वना से राहत मिलती है। तो अगर आप लोगों के बीच रहना चाहती हैं, आपको प्यास नहीं लगती है, आपको दूसरे सांत्वना देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, अगर यह दिमागी स्थिति आप में पाई जा रही है और वाइट थिक कलर का आपके डिस्चार्ज हो रहा है तो जान लीजिए आपकी दवा पल्सेटिला है। पल्सेटिला 30 की 2 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकती हैं। एक स्थिति आपके आ सकती है जब आपके वजिनाइटिस हो गया है और आपके बहुत इचिंग हो रही है। अगर आपके वजिनाइटिस हो गया है और साथ में आपके इचिंग यानी खुजली हो रही है वजाइनल रीजन में, तो इसको दूर करने की सबसे कारगर होम्योपैथिक दवा है क्रियोजोट। क्रियोजोट 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकती हैं कि जब आपका वजाइनल डिस्चार्ज वजाइना में बहुत इचिंग हो रही हो और आपका जो डिस्चार्ज हो रहा हो ऑफेंसिव हो, उसमें बदबू हो और वो येलोइश कलर का हो रहा हो और आपको यूरिनेशन करने से सारे ट्रबल्स बढ़ते हों, आपको साथ में यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो और यूरिनेशन करने से आपको सारे ट्रबल बढ़ते हों, अगर यह स्थिति आप में है तो आपके लिए बहुत ही मुफीद दवा क्रियोजोट 30 है। इसको आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। एक स्थिति आपके सामने आ सकती है जब आपके वजिनाइटिस हो गया हो और आपके वजाइना में बर्निंग हो रही हो, बहुत जलन महसूस कर रही हो, आपको ठंडे पानी से सफाई करनी पड़ती हो। अगर यह स्थिति आपके अपने में महसूस करती हो तो आपकी दवा एलुमिना है। एलुमिना 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लें कि जब आपका जो वजिनाइटिस है उसमें जो आपके डिस्चार्ज आ रहा है वह बहुत बर्निंग पैदा कर रहा हो, जलन पैदा कर रहा हो, साथ में आपको कब्जियत रहती हो जिसमें कि आपको जो मोशन होता हो, पहले स्टूल शुरू में मोशन करने पे हार्ड होता हो फिर वो सॉफ्ट हो जाता हो, आपको सर्दी बहुत लगती हो, आप कॉन्स्टिपेटेड रहती हो, 2-3 दिन आपको मोशन ना होता हो, उसके बाद एक साथ बहुत ज़्यादा मोशन होता हो, यह सिम्टम्स अगर आपको एकम्पनी कर रहे हो वजिनाइटिस में जिसके कि आपको बहुत बर्निंग हो रही है वजाइनल डिस्चार्ज में, तो निश्चित रूप से आपकी दवा एलुमिना है। आप एलुमिना 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। एक स्थिति आपको आ सकती है जब आपके वाइट वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, जब आपके वजाइनल डिस्चार्ज वाइट कलर का होता है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर दवा है होम्योपैथी में नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूरेटिकम 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लें कि जब आपके वजाइनल डिस्चार्ज वाइट हो रहा हो, आपकी तकलीफें रात को ज़्यादा बढ़ रही हों, आपको नमक खाना बहुत पसंद हो और फिजिकल लुक में आपकी गर्दन लंबी सी महसूस होती हो, आपको लंबी गर्दन वाली हों आप, अगर आप में यह स्थिति पाई जाती है तो और आप थोड़ा इरिटेबल भी हों, गुस्सा जल्दी आता हो, अगर यह स्थिति आप में पाई जा रही है तो आपकी दवा नेट्रम्यूर है। आप नेट्रम्यूर 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका वजिनाइटिस के कारण होने वाला वाइट वजाइनल डिस्चार्ज, चाहे वो थिन हो चाहे वो थिक हो, बेसिकली थिन में ये ज़्यादा वेट रखता है नेट्रम्यूर हो, तो वह नेट्रम्यूर से ठीक हो जाएगा, आपको आराम दे देगा। एक स्थिति आती है जब आपके ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, वजाइनल डिस्चार्ज ग्रीन हो रहा हो, तो अगर हरे रंग का वजाइनल डिस्चार्ज आपके आ रहा है जिसमें ग्रीनिश टोन है, ग्रीनिश लुक है, तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्सॉल। मर्सॉल 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकती हैं जब आपके वजाइनल डिस्चार्ज ग्रीन हो, उसमें बर्निंग बहुत होता हो, आपको बार बार अपने वजाइना को वॉश यानी जिसको डाउचिंग कहते हैं, आपको अपनी वजाइना को बार बार वॉश करना पड़ता हो, यह स्थिति अगर आप में बनती हो तो आपके लिए होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर मर्सॉल है। एक स्थिति और उत्पन्न होती है इसमें कि येलो कलर का आपके वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है ड्यू टू वजिनाइटिस। अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज येलो है तो इसकी बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में आपके लिए है हाइडेस्टिस।
हाइड्रेसिस कैंडेंसिस का मदर टिंचर आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकती है जब आपका वजाइनल डिस्चार्ज येलो हो, वो रोपी हो, यानी कि वो तार के रूप में खींचा जा सके, इतना उसमें वो हो कि इतना सेमी सॉलिड टाइप जिसे कहते हैं हो, थिक हो, और कि वो तार की तरह, रोप की तरह खींचा जा सके, और आपको लीवर का डिरेंजमेंट रहता हो। अगर यह 3 स्थितियाँ आप में हो तो निश्चित रूप से दवा आपकी हाइड्रेसिस मदर टिंचर है, उसका आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका लीवर कंप्लेंट भी सही हो जाएगा और आपका येलो डिस्चार्ज ड्यू टू वजेनाइटिस आ रहा है वो ठीक हो जाएगा और इंटर्न आपकी वजेनाइटिस ठीक हो जाएगी। एक कंडीशन इसमें आ सकती है आपके सामने कि जब आपके बहुत वजिनाइटिस हो गई और साथ में बड़ा पेनफुल क्वेश्चन हो, जब आपको डॉक्टर कहे कि आपको वजिनाइटिस हो गई है, जब गायनी आपको आपके पेल्विक एग्जामिनेशन करे तो वो कहे कि आपको वजिनाइटिस हो गई है और फिर आपको पेनफुल क्वेश्चन हो रहा है, आपको इंटरकोर्स करने में, सेक्स करने में, संभोग करने में आपको दर्द हो रहा है, अगर यह स्थिति हो तो इसके लिए बहुत ही कारगर दवा सीपिया है। आप सीपिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा इन द केस ऑफ पेनफुल क्वेश्चन विद वजिनाइटिस। वह समस्या आपकी पेनफुल क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा और जब पेनफुल क्वेश्चन खत्म होगा तो वो वजिनाइटिस भी खत्म माना जाएगा। एक कंडीशन आपके सामने आ सकती है या वजिनाइटिस में आती है कि आपके गशिंग यानी कि बिल्कुल गर्म और बिल्कुल मतलब गर्म डिस्चार्ज आ रहा हो और आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो और काफ़ी आ रहा हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो आपको कि बहुत गशिंग डिस्चार्ज, प्रोफाउंड डिस्चार्ज आपके आ रहा है वजाइना से और आपको वजिनाइटिस की दिक्कत है, तो इसके लिए बहुत कारगर दवा है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकती हैं कि जब आपके बहुत ही गशिंग प्रोफाउंड वजाइनल डिस्चार्ज विद वजिनाइटिस हो, आप कॉन्स्टिपेटेड रहती हो, आप फेयर फैट एंड फ्लैवी हो, यानी आपकी कदकाठी थोड़ी मोटी हो और थोड़ी थुलथुल हो, इस तरह की कदकाठी हो और आपको कब्जियत रहती हो और येलोइश कलर, येलोइश वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा हो, तो आपकी दवा ग्रेफाइटिस 30 है। इसको आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। एक कंडीशन वजिनाइटिस में आती है कि जब आपके बहुत फाउल यानी बुरी स्मेल वाला वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो और आपको वजिनाइटिस हो, तो अगर वजिनाइटिस के केस में आपके बहुत फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसकी बहुत ही अच्छी दवा नाइट्रिक एसिड है। एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में 55 मिनट के फासले पे 3 खुराक वीकली आप उस कंडीशन में ले सकती हैं कि जब आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा हो वो फाउल स्मेलिंग हो, गंदी स्मेल हो उसमें और आपकी ज़ुबान पे एक फिजर हो, बीच में एक कटाव ऐसा महसूस हो, जब आपने ज़ुबान देखेगी तो नाइट्रिक एसिड के मरीज की ज़ुबान उसमें एक कटाव होता है वहाँ हो और आपका जो डिस्चार्ज आ रहा हो वो ब्राउनिश कलर का हो, तो आपके लिए दवा नाइट्रिक एसिड है। आप एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, आप लाभ पा जाएंगी। एक कंडीशन वजिनाइटिस में आती है कि जब आपके एसिडिक डिस्चार्ज हो रहा हो, डिस्चार्ज पे जलन हो और वह एसिडिक और फाउल स्मेलिंग हो, यह कंडीशन अगर आपके आती है तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है नेट्रमफॉस। नेट्रमफॉस 6x पावर में 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आपके फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज हो और वह आपको बहुत परेशान कर रहा हो, इस दवा से नेट्रमफॉस 6x पावर की बायोकेमिक मेडिसिन से वह उस तरह का डिस्चार्ज आपका ख़त्म हो जाएगा और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। एक कंडीशन आती है वजिनाइटिस में जब आपको मछली ऐसी बदबू वाला वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो उसमें मछली ऐसी बदबू आ रही है, तो अगर यह कंडीशन आप में आप अपने में देखती हूँ ड्यू टू वजिनाइटिस, तो इसके लिए बहुत कारगर दवा है मेडोराइनम 200। मेडोराइनम 200 पावर में आप 2-2 बूंद 5-5 मिनट के फासले पर वीकली 3 खुराक उस कंडीशन में ले लें कि जब आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है वहाँ फाउल स्मेलिंग है, फिश की ओडर जैसा है, साथ में आपकी उम्र 40 को पार कर गई है। मेडोराइनम उस समय सबसे अच्छा काम करती है जब आप मेनोपॉज की स्टेज में आ जाती हैं
और आपका एस्ट्रोजन लेवल गिरता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जब कम होना प्रोड्यूस होता है, तो मेडोराइनम आपके जॉइंट्स पेन को भी ख़त्म करेगी, आपके वजिनाइटिस को भी ख़त्म करेगी उस स्थिति में कि जब आपके फिश की ओडर का वजाइनल डिस्चार्ज है। ये कुछ दवाएं थी आपके लिए वजिनाइटिस के विषय में, होम्योपैथी की जो बेहद कारगर दवाएं हैं। मैं आपको लेकिन फिर से कह दूं कि दवाएं बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें, डॉक्टर से पूछ के ही दवा लिखाएं। हो सकता है आपको प्रिस्क्राइब कराने वाली या सूट करने वाली दवा इन दवाओं से भिन्न हो जो आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप यूट्यूब के नोटिफिकेशन पैनल में अपना क्वेश्चन लिख सकती हैं। हमें खुशी होगी आपको जवाब देने में। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर आप व्हाट्सएप कर सकती हैं। आपको आपके क्वेश्चन का कारगर जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि औरों तक भी ये पहुंच सके, मेरा भी थोड़ा नाम हो जाएगा और लोग सही दवाओं के बारे में जान जाएंगे। और इस वीडियो को आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल बटन नोटिफिकेशन पैनल में नीचे लगा है उसको प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप हमारा नए से नया वीडियो देखते रहें। आपका इतनी देर साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद।